अभी निकल गए हैं और आपको बढ़िया बढ़िया सीन भी दिखाएंगे रास्ते का। अरे मम्मी जो निकाल रही है, तो चलिए दोस्तों अभी फटाफट खा लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से आप लोग को हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी जो है ना 9:30 बज गया है और हम भी नहा धो के पूरा रेडी हो गए हैं, क्योंकि मुझे भी काम पे जाना है। इसीलिए दोस्तों हम भी नहा धो के पूरा रेडी हो गए हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर यहाँ एक मम्मी रोटी बना रही है, और मतलब कल से थोड़ा आज तबीयत में सुधार है, अच्छा लग रहा था। अच्छा, और बाबू भी मतलब बाहर गया खेलने के लिए, और मुझे यार एक मम्मी ने खाना दे दी है। और दिखाते हैं दोस्तों आप लोग को हम लोग का खाने में क्या क्या बना है आज। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज के खाने में हम लोग का है चावल और मूली साग का सब्जी और है दाल। तो चलिए दोस्तों फटाफट से खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे काम पे। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, तब तक जो है ना फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली खाना वगैरह खा लिए हैं, और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये लाए हैं आर्या मम्मी जो मतलब अपना हेयर जो बाल सब झड़ जाता है। हाँ, जो बाल था अपना कंघी करते वक्त जो झड़ जाता है ना, उसे सब इकट्ठा किए थे इतना सारा बाल, तो उसी से अभी ये वाला बर्तन ले लें। इतना सारा बर्तन और सब सब काट के बज देते हैं आपका पास, बहुत सारा बर्तन हो जाएगा। बाबू का किलो ना कहाँ है, अंदर घुस गया है, अंदर घुस गया, कहाँ घुसा है, अंदर में, ठीक है निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी जो हम काम पे निकलते हैं, और हम भी रेडी हो गए, पूरा कपड़ा वपड़ा पहन लिए हैं और अभी निकलेंगे। बाबू का खिलौना निकाल दीजिएगा, कहाँ घुसा है। ठीक, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। तो आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों ये वाला जो है ना केबल हम लोग को यहाँ मतलब पेड़ जो है ना केबल के ऊपर में गिर गया था, मतलब काट दिया था ये वाला पेड़। तो दोस्तों वहीं पे आए हैं हम लोग कुल्हाड़ी लेके, मतलब दावली है, और अभी काटेंगे डाली सब और केबल को निकालेंगे पूरा। दोस्तों ना ये सब पूरा केबल वगैरह जो है ना सब कुछ मतलब ये पूरा पेड़ में ही फंस गया है, और उधर तो मतलब पेड़ के अंदर में घुस गया है केवल। इसी को दोस्तों अभी सलमान लगा हुआ है, पेड़ काट रहे हैं अभी, और देखते हैं ये वाला तो छोटा मतलब दावली है उससे काट पाता है कि नहीं, या नहीं तो दूसरा कुल्हाड़ी लाना पड़ेगा बड़ा वाला। पेड़ भी तो काफ़ी मोटा है ना, इसीलिए नहीं कट पाएगा हमको। चलिए दोस्तों अभी पेड़ को काट लेते हैं, और उसके बाद केबल वगैरह जो जितना निकल सकते हैं निकाल लेंगे, और जो नहीं निकलेगा बड़ा वाला कोड़ा लेके आना पड़ेगा और उसके बाद निकालेंगे। अभी देखते हैं इससे कितना काट पाते हैं। ये वाला तो फॉल्स के वाला। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का केबल फंस गया पूरा पेड़ के अंदर में, तो पूरा टाइट हो गया। तो इसी को दोस्तों ना काट के अभी हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ने केबल मतलब पेड़ से केबल को हटा लिया है, आप लोग देख सकते हैं यही वाला केबल जो हम लोग का फंसा हुआ था वो वाला डाली में। तो दोस्तों अभी जो जाते हैं हम लोग तालाब पास जाएंगे, थोड़ा हाथ भी काफ़ी गंदा हो गया है तो थोड़ा बहुत हाथ भी धो लेते हैं, और बाकी जो सामान है ना गाड़ी में रख देते हैं पहले, उसके बाद जाएंगे तालाब के पास और वहाँ से हाथ वगैरह धोएंगे, उसके बाद निकलेंगे गम्हरिया तरफ दोस्तों जाएंगे, उसके बाद देखते हैं उधर का भी सिचुएशन कैसा है केबल का। तो दोस्तों अभी तालाब के पास पहुंच गए हैं, और थोड़ा हाथ भी पूरा गंदा हो गया देख सकते हैं हम लोग का हाथ, और अभी दोस्तों ना हाथ बढ़िया से धो लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यही तालाब है, छोटा सा तालाब, इसमें देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा कमल फूल खिला है। देखिए आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं, इधर भी है, उधर इधर भी है, दो गो सफ़ेद वाला इधर भी है। तो चलिए दोस्तों अभी हाथ धो लेते हैं, काफ़ी गंदा हो गया हाथ भी। पानी देख सकते हैं दोस्तों कितना पूरा साफ है, अंदर का मछली भी दिखाई देगा इतना साफ है। तो दोस्तों हाथ वगैरह धो लिए हैं, और अभी
इधर आए हम लोग आम, इधर बहुत सारा आम पेड़ देख सकते हैं, इधर देख लीजिए बहुत सारा आम पेड़ है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा छाया, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, छाव है काफ़ी अच्छा, मतलब ताज़ा ताज़ा हवा भी आ रहा, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है यहाँ। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे गाड़ी के पास, उसके बाद देखते हैं किधर जाने का मन करेगा, उधर ही जाएंगे थोड़ा, और फिर शाम तक चला जाएंगे रूम। दोस्तों देखते हैं किसका फ़ोन भी आ गया, अभी लगता है कहीं जाने का। हेलो, तो दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेस्ट भी कर लिए हैं और अभी जाएंगे गम्हरिया तरफ, अभी देखते हैं उधर जा रहे हैं गाड़ी के पास, और गाड़ी में बैठ के जाएंगे हम लोग सीधा गम्हरिया तरफ। गाड़ी मतलब दूर में खड़ा है हम लोग का, आ गया। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, आम का पेड़ का छांव में नींद आ रहा था बार बार। दोस्तों अभी गाड़ी के पास आ गए हम लोग, ये रहा हम लोग का गाड़ी, और अभी इसी में बैठ के दोस्तों जाएंगे, और सलमान भी बात करते करते आ गया। चलो चलो हमारे दिखे घुरियास में रास्ता इस बार। दोस्तों अभी आ गए गाड़ी में और बैठ के जा रहे हैं हम लोग, दोस्तों अभी निकल गए हैं और आपको बढ़िया बढ़िया सीन भी दिखाएंगे रास्ते का। दोस्तों मैं फाइनली काम करके वापस आ गया हूँ, और देखते हैं क्या बना हुआ है, बनाना पड़ेगा सब्जी। दोस्तों आते हैं किचन तरफ, देखते हैं क्या बना हुआ है। चावल तो दोस्तों बन के पूरा रेडी है, और अभी देखते हैं अंडा और आलू उबाल के रखिए, तो अंडा और आलू का सब्जी बनाएंगे दोस्तों। बाबू तुम्हारा वाला बना देंगे कि तुम ऐसे ही खाएगा, जल्दी बताओ ऐसे खाएगा उबला हुआ अंडा? हाँ बताओ, उबला हुआ अंडा खाएगा कि मतलब बना के देंगे तुमको? उबला वाला। चलिए दोस्तों, अरे बाबू ऐसे उबला हुआ अंडा खाएगा तो उसको एक और दे देते हैं, और दो अंडा हम लोग बनाएंगे। अरे बाप रे, किधर भाग रहा है ये अंडा? अंडा किधर भाग रहा है बाबू? इधर आओ तो जल्दी, देखो कैसे भाग रहा है अंडा। चलिए दोस्तों अभी जो ना फटाफट से सबको छील लेते हैं, और आर्या बाबू को भी अंडा एगो दे देते हैं, और उसके बाद बनाएंगे हम सब्जी बनाएंगे, और अंडा आर्या बाबू को एगो दे देते हैं, दो अंडा बनाएंगे। तो हम इसको छील के ना ऐसे दे देते हैं, आर्या बाबू बनाने वाला नहीं खाएगा, मतलब अभी ऐसे उबला हुआ अंडा खाएगा। छील लेते हैं एगो कटोरी में, प्याज प्याज भी दे देंगे ना। आओ जल्दी आओ, क्या क्या देंगे बताना। कहाँ लटक रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अरे वो कितना बदमाशी कर रहे हैं। आओ इधर आओ, आओ अंडा देंगे, अंडा ये देखो अंडा। तो दोस्तों अरे बाबू को दे दिए हैं उबला हुआ अंडा, काट के दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और इसका मुंह देखिए कैसे चबड़ चबड़ खा रहा है ना बाबू? कैसा लगा जल्दी बताओ, अच्छा लगा कि नहीं? हाँ अच्छा लगा, ठीक है तुम खाओ, और उसके बाद करते हैं बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले जो है ना प्याज वगैरह काट लेंगे, काट के रेडी करेंगे, उसके बाद अंडा भी छीलना बाकी रह गया है, तो चलिए फटाफट से सबको छील के रेडी करते हैं। तो दोस्तों सब कुछ रेडी कर लिए हैं, अंडा इधर छील लिए हैं, आलू भी काट लिए हैं, और अभी टमाटर काटेंगे, टमाटर भी काट लिए हैं, फटाफट छील लिए हैं, प्याज भी रेडी कर दिए हैं इधर, और मिर्चा भी काट लिए हैं, मिर्च से टुकड़ा कर लिए हैं। और अभी दोस्तों हम लोग का तेल खत्म हो गया है, तो नया तेल लाए हैं, तो दोस्तों तेल भी लेके आ गए हैं, और अभी तेल डाल देते हैं, नहीं तो गिर जाएगा। देखिए क्या कर रहा है बाबू, आराम से वीडियो देख रहा है। दोस्तों तेल को डाल लिए हैं, और अभी कहाँ है कढ़ाई, इधर इधर इसको
चलिए अभी रात भी काफी रात हो गया है और फटाफट से सब्जी वगैरह बना लेते हैं अंडा आलू का और उसके बाद खा के सो जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह फिर काम पे जाना है जल्दी जल्दी। इसमें थोड़ा बच गया है तेल, इसी को डाल देते हैं, देखते हैं इस तेल में होगा कि नहीं होगा। और थोड़ा तेल डालना पड़ेगा। अंडा जो है दो की दो ही को अंडा है हम लोग का। अरे बाबू तो ऐसे ही खा लिया और अभी दो ही अंडा बचा है मेरा और अरे के मम्मी का है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना बज रहा है, 9:37 मतलब 10 बजने वाला है। और अभी हम काम से आके सब्जी बना रहे हैं। दोस्तों हम लोग का तेल गर्म हो गया है और अभी इसमें अंडा फ्राई कर लेते हैं। कहाँ गिर रहा है, पूरा गर्म हो गया ना तेल। तो दोस्तों हम लोग का अंडा भी फ्राई हो गया है, अभी निकाल लेते हैं। आँच को ना कम कर देते हैं, काफी ज्यादा तेल गर्म हो गया है। और अभी आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और अभी आलू फ्राई कर लेते हैं। और आप लोग तो दोस्तों ये सब्जी बनाने के बाद मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और फटाफट से जो है ना हम अंडा सब्जी बना लेते हैं, उसको खा के सो जाएंगे, खा के सोएंगे और क्या करेंगे ना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का अंडा करी बन के रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं आर्या की मम्मी जो है निकाल रही है। तो चलिए दोस्तों अभी फटाफट खा लेते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।